हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इनकम टैक्स का एक टॉपिक, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एक डेफिनेशन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एग्ज़ाम में इसके ऊपर एक फुल आपका अलग से 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हु इज़ अ पर्सन एज पर इनकम टैक्स लॉ। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में बोला गया है कि पर्सन के ऊपर टैक्स लगेगा अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और वगैरह वगैरह से ऊपर चला जाता है या उसकी इनकम इतनी पर्टिकुलर हो जाती है। अब यहाँ जो पर्सन वर्ड है, वो पर्सन वर्ड का मतलब क्या है, उसको डिस्क्राइब कहाँ किया गया है और इन्हें किस किस में इंक्लूड किया गया है। पर्सन मतलब क्या, आप और मैं, तो फिर कंपनीज पर टैक्स क्यों लगता है। पर्सन अगर सिर्फ पर्सन वर्ड देखा जाए तो आप और मैं तो पर्सन है, लेकिन कंपनी पर टैक्स क्यों लगता है या फिर जो है पार्टनरशिप फर्म्स पर फिर टैक्स क्यों लगता है। तो यही डेफिनेशन आपको बताती है कि पर्सन का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, बल्कि और भी यहाँ पर लोग हैं जो कि पर्सन की कैटेगरी में हमने इन्वॉल्व किए हैं, उसी के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। एज पर यू इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो ये पर्सन वर्ड है, इसको डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 31 में। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, पर्सन्स में जो है ये सब इंक्लूडेड हैं। पर्सन में सबसे पहले जो इंक्लूड है वो है इंडिविजुअल, जैसे आप और मैं। इंडिविजुअल का मतलब है एक नेचुरल पर्सन, जो कि जीता जाता पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है। और यहाँ पे आपका पर्सन में जो इंडिविजुअल का पार्ट है, इसमें आपका रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट भी इंक्लूड किया गया है। रेजिडेंट मतलब जो एक प्रिस्क्राइब्ड डेज से ज़्यादा इस देश में पिछले साल रहा है, वो पर्सन रेजिडेंट पर्सन है। उसमें भी आपको जो है रेजिडेंट में नॉन रेजिडेंट एंड योर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये दो कैटेगरी में बने हुए हैं। वहीं पर नेक्स्ट आपका आता है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट में भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, भैया वो हमारे देश में रहता नहीं है, रेजिडेंट नहीं है हमारे देश का, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं कि अगर उसकी इनकम जो उसने कमाई है वो इंडिया में अराइज हुई है और इंडिया में उसकी रिसीव हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको उस इनकम पर टैक्स इंडिया में देना होगा। जैसे कोई आपकी कंपनी है, कंपनी ओरिजिन बाहर की होती है, इंडिया में आके काम करती है, इंडिया में आकर के काम कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है, इनकम बना रही है, कमा रही है और रिसीव कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको टैक्स भी इंडिया में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं करके आप निकल नहीं सकते। आपने इनकम जनरेट की है इस देश में, आपने रिसीव की है यहाँ पर, और आप नॉन रेजिडेंट अगर हो तो भी आपको इनकम टैक्स जो है उस इनकम पर टैक्स यहाँ इंडिया में पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड फॉरेनर्स हु अर्न इनकम एंड आर सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। अगर फॉरेनर्स जो हैं वो भी इनकम अर्न करते हैं और वो पर्टिकुलर इनकम अगर आपकी इंडिया में टैक्सेबिलिटी बनती है तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। सो इंडिविजुअल में कौन कौन आएगा, इंडिविजुअल यानी नेचुरल पर्सन, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, फॉरेन हो, सिटीजन हो, कोई भी हो, आ जाओ बेटा टैक्स दो। अब उसके बाद आपका आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बोला गया है पर्सन, डेफिनेशन ध्यान दो, पर्सन की डेफिनेशन, उसमें इंक्लूड है आपका नेक्स्ट सेकंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम HUF कहते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन, अगर आप देखो इंडिया में की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास कि जो हिंदू फैमिलीज हैं, ठीक है, हिंदू फैमिलीज हैं, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं और अपने आप को एक HUF बना सकती हैं। HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, किसी बिजनेस का काम कर रहे हैं, जिनमें उन सबका अधिकार होता है, हक होता है। सो इन इंडिया एन HUF जो है एक सेपरेट टैक्स एंटिटी है दैट कंसिस्ट ऑफ अ फैमिली दैट फॉलो हिंदू कस्टम। तो एक HUF क्या है, एक सेपरेट टैक्स एंटिटी है और यहाँ पे आपका जो है फैमिली होती है जो कि हिंदू कस्टम्स फॉलो कर रही है। HUFs हैव देयर ऑन टैक्स इम्प्लीमेंटेशंस एंड आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन फॉर इनकम टैक्स पर्पस। और यहाँ पे आपका जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की अपने ऊपर खुद की अलग से टैक्स की इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं और यहाँ पे उसका टैक्स की इनकम, जो इनकम होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी अलग से सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। मतलब क्या है, लेट्स सपोज मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, हमने
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो बनाई है। ऐसे सिचुएशन में हम अपना इंडिविजुअली भी अर्न कर रहे हैं और हमने एक ग्रुप बना करके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना करके एक बिजनेस सेटअप किया है, उससे भी इनकम आ रही है। तो अब यहाँ पे उस बिजनेस से जो इनकम आ रही है वो अलग से टैक्सेबिलिटी उसकी बनेगी, और हमारी फैमिली के जो अलग अलग लोग जो अलग अलग कमा रहे हैं उसकी अलग अलग टैक्स लायबिलिटी बनेगी, जो कि हमारा पर्सनल अपना होगा, जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से अलग होगा। यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो इनकम होगी उसकी टैक्सेबिलिटी अलग होगी, मेरी पर्सनली जो टैक्सेबिलिटी किसी और काम से मैं कमा रही हूँ उसकी अलग होगी, अगर मैं नहीं कमा रही तो मुझ पर कोई टैक्सेबिलिटी यहाँ पर नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपनी। कंपनी में आपकी इंक्लूड होती है इंडियन कंपनी और एनी कंपनी जो कि इंडिया में कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई हैं, इनकॉर्पोरेटेड हुई हैं, चाहे वो अभी हुई हैं या फिर अभी से कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हुई हैं, या फिर उससे पहले जो एक्ट चलते थे कंपनीज एक्ट के उसके तहत अगर रजिस्टर्ड हुई हैं तो भी वो कंपनी कहलाएगी। सो कंपनी मतलब इंक्लूड होता है एनी इंडियन कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी, और एनी कंपनी कोई भी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका जो है इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री वो भी आपका यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आके काम कर रहा है। इट कवर बोथ प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अ कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी दैट इज़ जो है वो अलग है, उसका अपना अलग अस्तित्व है उसके शेयर होल्डर से या फिर उसके ओनर से, और इसीलिए ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी या अदर फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइज्ड कंपनी हो सकती है, स्टैट्यूटरी कंपनी, आपकी अदर LLP लिमिटेड, सॉरी नॉट LLP, आपकी LLC या अदर कंपनीज अंडर द लॉ। कंपनीज आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन, कंपनी को जो है एक अलग सेपरेट पर्सन के तौर पर देखा जाता है और उसकी इनकम पे उसको टैक्स देना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज़ फर्म्स। फर्म्स का मतलब है आपका यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म, आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बट यहाँ पे HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि कई बार लोग उसको भी फर्म समझ लेते हैं, तो इसलिए वो यहाँ इंक्लूड नहीं होती। यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यहाँ पे इंक्लूड होती है। इसका एक्चुअल नाम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी बोलते हैं लोग कई बार। अ पार्टनरशिप फर्म इज़ अ बिजनेस स्ट्रक्चर, एक बिजनेस स्ट्रक्चर है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग साथ आते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। पार्टनरशिप फर्म्स जो है कंसीडर किया गया है एज अ सेपरेट पर्सन, उसको भी एज अ सेपरेट पर्सन देखा गया है इनकम टैक्स पर्पज़ के लिहाज से, और जो पार्टनर्स होते हैं वो टैक्स होते हैं इंडिविजुअली अपने अपने शेयर पे इन पार्टनरशिप इनकम। देखो इन द पार्टनर्स आर टैक्स्ड होते हैं, उनका इंडिविजुअली टैक्स वहाँ पे होता है। पहली बात, एक चीज़ और यहाँ पे आप समझिए, अगर आपका फर्म है, ठीक है, फर्म में कोई इनकम आपने जनरेट की है, फर्म में इनकम जनरेट की है 1,00,000 रुपये, फर्म ने उस पर टैक्स दे दिया है, अगर आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करा रखी है, आपके पास उसका अलग से पैन कार्ड है, आपने उसका टैक्सेबिलिटी अलग से कैलकुलेट किया है, उस पर टैक्स दे दिया है, और उसके बाद जो इनकम जनरेट हुई है वो पार्टनर्स अपने घर लेके जा रहे हैं, तो ये जो इनकम पार्टनर्स अपने घर लेके जा रहे हैं वो टैक्सेबल नहीं होंगे। ध्यान दे देना यहाँ पे जो है ये चीज़, मे भी शायद सुनने पढ़ने में थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि उस पर टैक्स लगेगा, इसलिए मैंने इसको दोबारा क्लियर कर दिया कि यहाँ पे जो भी आपका इंडिविजुअली का शेयर्स होगा पार्टनरशिप इनकम पे, उस पर आपका जो है टैक्सेबिलिटी बाद में अगेन नहीं बनेगी। अगर वहाँ पे पार्टनर फर्म ने उस पर टैक्स ऑलरेडी दे दिया है तो अब आपको देने की ज़रूरत नहीं है। एक LLP जो है ये एक हाइब्रिड बिजनेस स्ट्रक्चर है, जो कि कंबाइन फंक्शन इसमें आपके पार्टनरशिप के और कुछ कंपनी के फंक्शंस इसमें होते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था LLP क्यों बनी थी, इसका रीज़न यही था कि फर्म जो है आपकी पार्टनरशिप फर्म, वहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और कंपनी की जो है अपना अस्तित्व होता है, तो इन दोनों से एक बीच का रास्ता निकाला गया जो कि LLP बना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कि भैया लायबिलिटी भी लिमिटेड होगी और इसकी जो है एज अ कंपनी जो एडवांटेजेस मिलते हैं कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी के, वो LLP को भी मिलेंगे। इट इज़ ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन फॉर इनकम टैक्स पर्पस, इनकम टैक्स के पर्पस पे जो है इसको एक एज अ सेपरेट पर्सन देखा जाता है, और जो पार्टनर्स होते हैं इस पर जो है वो टैक्स होता है इंडिविजुअली ऑन देयर शेयर ऑफ द LLP's इनकम। ठीक है, उन ये भी आप इसको भी आप चाहे तो इसको रिमूव कर दें, ये भी पढ़ने में ऐसे ही लग रहा है, अभी मैं समझाती हूँ, इसलिए मैं भी समझाती हूँ कई बार पढ़ पढ़ के कि थोड़ा मेरे को भी लगे कि हाँ ये चीज़ हटवानी चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, अगर आपको इनकम मिल रही है उसको टैक्सेबिलिटी आप नहीं करोगे। नेक्स्ट इज एसोसिएटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी AOP, एंड AOP जो है एक ग्रुप होता है ऑफ
इंडिविजुअल्स का, वेदर इनकॉर्पोरेटेड, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, चाहे आपने उसको रजिस्टर करा रखा हो या अभी ना करा रखा हो, जो कि साथ आते हैं, बिजनेस कैरी ऑन करते हैं या प्रोफेशन कोई कैरी ऑन करते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड अ म्यूचुअल एसोसिएशन. ठीक है, म्यूचुअल एसोसिएशन आपने कई बार देखा होगा, SNG एसोसिएशन, ये एसोसिएशन. एसोसिएशन इज़ वाट, कि भैया इंडिविजुअल पर्सन थे, ठीक है, आपके जो है पर्सन थे, उन्होंने मिलकर के साथ एक एसोसिएशन खोल ली, कि जहाँ पे वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं. तो यहाँ पे AOP जो है इज़ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स का ग्रुप है यहाँ पे. ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ म्यूचुअल एसोसिएट्स दैट कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी एक BOI रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ये भी आपका ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, जो कि कॉमन पर्पस के लिए साथ आए हैं बिजनेस और प्रोफेशन करने के लिए. नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी में इंक्लूड होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, आपकी म्यूनसिपालिटीज, पंचायत, टाउन कमेटी और एनी अदर बॉडी जो कि अथॉरिटी है एक्सरसाइजिंग, जो भी जुडिशन के काम कर रही है, अथॉरिटी है एक्सरसाइजिंग जुडिशन और कंट्रोल ओवर अ स्पेसिफिक लोकल एरिया, और किसी स्पेसिफिक लोकल एरिया का कंट्रोल देखती है. आर्टिफिशियल जुडिडिक्शन पर्सन, ये कैटेगरी कवर करती है ऐसी एंटिटीज़ जो कि ना तो इंडिविजुअल है और लीगल एंटिटीज़ है, बट उसको जो है एज अ पर्सन ट्रीट किया जाएगा फॉर इनकम टैक्स पर्पस. एग्जांपल के लिए आइडल टेंपल्स, जो टेंपल्स हैं हमारे, जो अगर आप देखोगे तो साउथ में एक हमारा बहुत बड़ा टेंपल है, वो उसके अगर आप देखने जाओ तो बहुत इनकम आती है. और उस जो हम कहते हैं ना कि भैया हिंदू टेंपल्स को जो है इतना आप टैक्स क्यों लेते हो, वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनमें जो है उनको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के डेफिनेशन में डाला हुआ है और इसीलिए उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बन जाती है. सो यहाँ पे किस किस को लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है पर्सन फॉर इनकम टैक्स, एग्जांपल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो बन गए हैं, जैसे कि टेंपल हो गए, जुडिशियल अथॉरिटीज़ हो गई, या फिर एनी अदर एसोसिएशन हो गए, पर्सन रिकॉग्नाइज बाय लॉ, जिनको लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है एज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप ये नोट करें कि जनरल ओवरव्यू जो है आपका इस पर्सन के टर्म का इनकम टैक्स एक्ट के तहत, ये जो हैव फर्दर प्रोविजन और डेफिनेशन फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है, और जिनके ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट होगा. बट यहाँ पे आपको जो है यूजुअली आपके सारे पॉइंट्स हमने कवर अप कर लिए हैं. सो लेट्स सी यू द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.